हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये सुबह के 6 बज रहे हैं और आज इंडिपेंडेंस डे है, तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ प्रीति स्कूल में पार्टिसिपेट की हुई है, तो वो आज उसका डांस भी है, तो वो मेरे से तैयार होने आई है क्योंकि इसे 6:30 बजे तक जाना है। तो वो आने में लेट कर दी, उठने में लेट कर दी, तो इसलिए वो मैं जल्दी उसे पहना रही थी। और अभी तक मेरा भी ब्रेकफास्ट नहीं बना है, बस मैं अभी मैंने जल्दी से भुंजिया काट के छौंक दिया है ताकि इसे भी तैयार कर सकूँ और साथ के साथ देख सकूँ, क्योंकि बच्चे लोग भी जाएंगे 7:15 बजे तक, वो लोग भी निकल जाएंगे, तो मुझे उधर भी देखना था और साथ के साथ प्रीति को भी तैयार करना था। प्रिया उठ ही नहीं रही थी, कब हम लोग बहुत बार उसे उठवा रहे थे पर नहीं उठ रही थी कि थोड़ा हेल्प हो जाता। तो यहाँ प्रीति रेडी हो चुकी है, मतलब समय से पहले हो गई थी, नहीं लेट हुआ था उसका, तो ये पूरा कंप्लीट रेडी हो गई है। बाकी उसका फेस का मेकअप जो डांस सिखाई है एक लड़की, उसी की क्लास की है, तो यहाँ प्रीति निकल चुकी है, तो वो पापा के साथ जा रही है। बाकी प्रिया, सृष्टि और संदीप सब एक साथ जाएंगे। सृष्टि के स्कूल में 2 दिन पहले ही प्रोग्राम हो चुका है और आज के दिन उसके स्कूल में 7 क्लास से स्टार्ट होता है मैट्रिक। बड़े बच्चे लोग का, छोटे बच्चे लोग को आज नहीं बुलाया जाता है, इसलिए वो प्रीति के स्कूल जाएगी। तो उन लोग को 7:15 बजे तक जाना है, तो मुझे जल्दी से ब्रेकफास्ट में जल्दी बना लेती हूँ, इन लोग को भी अभी कराना। तो यहाँ मैंने भुंजिया छौंक दिया था, तो मैं इनसे बातें कर रही थी कि कितना समय हुआ जल्दी से, हम सुबह चाय भी नहीं पी सकी थी, तो वही मैं चाय गर्म कर रही हूँ और सबको देना है मुझे। तो फिर से मैं अपने काम में लग गई हूँ क्योंकि जल्दी से मैं, तो यहाँ पर मैं मसाले वाली भुजिया बना रही हूँ और पूड़ी जल्दी से बना दूँगी, और बाकी लंच का बाद में देखूँगी मैं, क्योंकि बच्चे लोग को अब निकलने का समय भी हो रहा था, तो मुझे ज़्यादा लग रहा था कि बच्चे लोग खा के जाएँ, तो यहाँ काम भी होता रहेगा और हम लोग चाय भी पी लेंगे, क्योंकि हम लोग चाय नहीं पिए थे, तो सुबह उठने के बाद चाय की रहती है ज़्यादा। तो आज मेरी भी नींद थोड़ा सा लेट से खुली, 5:30 बजे खुली, तो मैंने जल्दी जल्दी पहले चाय बनाने से पहले मैंने भुजिया कट कर लिया था और उसके बाद ही मैंने चाय चढ़ाया था, पर बना हुआ था पर पी नहीं सकी थी। तो यहाँ पर हस्बैंड भी मेरी हेल्प करा देंगे क्योंकि टाइम हो गया था काफ़ी, इसीलिए ताकि लोग समय से खा के चले जाएं। Thank you.
सृष्टि ने भी अपने स्कूल में पार्टिसिपेट किया था डांस में, तो इसके लिए मैंने यही ड्रेस खरीदा था। पर ये लोग का 15 अगस्त में नहीं होके दो दिन बच्चे लोग का पहले ही, सब जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे 15 अगस्त से पहले, दो दिन पहले ही हो गया था। तो सृष्टि जो अपना डांस के लिए ली थी ड्रेस, वही पहन के वो जा रही है प्रिया के स्कूल। उसके बाद हम लोग यहाँ से सृष्टि लोग के जाने के बाद, बाकी का ब्रेकफास्ट बनाने के बाद हम लोग यहाँ निकल गए हैं मार्केट के लिए, मतलब 15 अगस्त मनाने के लिए नहीं। वो बीच बीच में मैं आप लोग को दिखा रही थी कि सभी जगह झंडा ये सब देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मेरे 15 अगस्त मतलब तेल यहाँ पेट्रोल पंप और सब्जी बाजार में बीती। तो यहाँ पर गाड़ी में तेल भी नहीं था, तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं तेल भराने के लिए, और मुझे सब्जी लेना था इसलिए हम लोग आज निकले हैं। क्योंकि सब्जी घर में कुछ भी नहीं था, केवल गोभी था, वो भी एक ही गोभी था, जिससे हम लोग का सब्जी नहीं होता। तो यहाँ हम लोग सब्जी मार्केट आ गए हैं तेल भराने के बाद, क्योंकि हम लोग का मन हुआ कि अब हम लोग बिरयानी बनाएंगे, चावल दाल ये सब कुछ नहीं बनाएंगे, तो बिरयानी सबका मन हो रहा था। तो बिरयानी में तो कितने तरह की सब्जी लगती है, तो वही हम लोग बीन्स लिया, धनिया पत्ता हम लोग ने लिया, शिमला मिर्च लिया, टमाटर लिया, बहुत सारी सब्जी लेके हम लोग आए। तो आज हम लोग भेज बिरयानी खाएंगे। तो ब्रेकफास्ट तो बन ही चुका था, बस यहाँ से जाऊँगी तो पूजा वूजा करना था, और सृष्टि लोग का सॉरी प्रीति का स्कूल भी जाने का मन हो रहा था, पर काम काफ़ी था क्योंकि छोड़ के आई थी घर का काम, मतलब ब्रेकफास्ट तो बना लिया था पर घर साफ सफाई रह गया था। हालांकि ज़्यादा काम नहीं था, फिर भी पूजा वूजा करना था, अगर उसके स्कूल चली जाती तो काफ़ी लेट हो जाता मुझे, तो इसीलिए फिर हम लोग नहीं गए। फिर हम लोग घर आ गए वापस। घर आने के बाद मैं जल्दी से सबको ब्रेकफास्ट मैंने दिया, पापा को तो मैं दे के गई थी, फिर इन्हें मैंने दे दिया। उसके बाद मैंने झाड़ू लगा के फिर नहाने, थर्सडे का दिन है, काम ज़्यादा नहीं रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज थर्सडे का दिन है और आज स्वतंत्रता दिवस है, तो स्वतंत्रता दिवस की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएँ। बच्चे लोग अभी स्कूल से नहीं आए हैं, प्रीति ने डांस में भाग लिया है, तो वो उसका डांस प्रोग्राम है, तो देखने का तो बहुत मन था पर सुबह नहीं निकल पाते हैं हम लोग, सुबह इतना काम रहता है कि नहीं हो पाता है। मन तो कर रहा था देखने के लिए, तो सृष्टि प्रिया संदीप सब तो गए हुए हैं, मैंने कहा आज सब मोबाइल लेके गए हैं, तो मैंने कहा था वीडियो बना लेना क्योंकि आज उतना इन लोग का चेक नहीं होगा, इसलिए प्रिया लेके गई है मोबाइल, तो मैंने कहा अच्छे से वीडियो बना लेना, तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैंने उन लोग को अच्छे से बोल दिया, देखती हूँ अगर बना पाई तो मुझे भी कह रही थी चलने के लिए, पर हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि सब्जी लाने भी जाना था। जब बच्चे लोग स्कूल से जब चले गए स्कूल के लिए ब्रेकफास्ट करने के बाद, उसके बाद मैं जल्दी से पापा लोग का सबका मतलब ब्रेकफास्ट तो बहुत जल्दी बन गया था क्योंकि बच्चे लोग को 7 बजे तक चले जाना था, तो मैं सुबह ही उठ के जल्दी से सब बना दी थी क्योंकि प्रीति को भी मुझे तैयार करना था और बच्चे लोग को भी ब्रेकफास्ट देना था, इसीलिए मैंने सुबह ही बना लिया था। पर मुझे सब्जी लाने भी जाना था, सब्जी घर में एक भी नहीं था, और बिरयानी लंच में मैं अभी बनाऊंगी, तो उसके लिए तो सब्जी ढेर सारा लगता है, और सब्जी में केवल गोभी था। पहले तो हम लोग गोभी की सब्जी ही बनाने जा रहे थे, फिर अचानक से मेरा मन हुआ कि सब्जी लाने जाना ही है, तो चलिए आज बिरयानी बनाते हैं, गोभी सब्जी हमेशा खाते हैं, तो बस उसमें ही थोड़ा, और बीच में पानी भी आ गया था इसीलिए तो पानी रुका है। उस बीच में मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट, बाकी जो बचा हुआ था ब्रेकफास्ट वो सब मैंने बना लिया, और उसके बाद पापा को देने के बाद फिर मार्केट गई। मार्केट से आने के बाद हस्बैंड फिर ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद जल्दी जल्दी मैंने झाड़ू लगाया। और आज हालांकि थर्सडे का दिन है, काम उतना नहीं रहता क्योंकि केवल झाड़ू लगाना रहता है, पोछा डस्टिंग तो नहीं होता है, कपड़ा भी उतना नहीं मैं आज के दिन खिंचाता है, तो इसीलिए। पर फिर अभी लंच की तैयारी करूँगी, और अभी मेरा जस्ट पूजा हुआ है 11 बजे, तो भूख भी जोड़ों से लगी है, पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी उसके बाद बिरयानी बनाऊँगी। तो सब कट करके रख लिया है मैं बाज़ार से लाने के बाद, इनको जब ब्रेकफास्ट मैंने दिया तो मैंने पहले कट उट कर लिया, उसके बाद झाड़ू लगा के बर्तन थोड़ा सा था सब धो के, तो चलते हैं जल्दी से पहले पेट पूजा करते हैं, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, सॉरी ब्रेकफास्ट नहीं लंच बनाऊँगी, हर समय गड़बड़ हो जाती है मेरे, तो कैसे बनाती हूँ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। चलिए, आईब्रो मेरी काफ़ी बढ़ गई है, बहुत घना, कितना बेकार लग रहा है क्योंकि मैं आईब्रो के लिए सफ़र के जाने का मन नहीं करता। मैं चाहती हूँ कि सृष्टि का जब स्कूल रहता है ना तो उसी समय मैं बनवा लूँ, पर उस समय मार्केट बंद रहता, पहले खुल जाता था, पर इधर देखती हूँ कि आजकल बंद रहता है, 3 बजे खुलती है, उसके बाद मुझे मन नहीं करता है जाने का, इसीलिए इतना बढ़ गया। पर राखी भी आ रही है, बनाना ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही ख़राब लग रहा है, और मैं देख रही हूँ तो सच में बहुत ही घना हो गया है, जाऊँगी बना लूँगी। चलिए, अभी 2 दिन है राखी का,
तो चलिए जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, आप सब भी आ जाइए। तो ये रहा प्रीति का डांस का थोड़ा सा मैं क्लिप आप लोग को दिखा रही हूँ, पूरा आज नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है ये वाला। तो कल के वीडियो में आप लोग को मैं पूरा डांस दिखाऊंगी क्योंकि डांस थोड़ा इन लोग का काफ़ी लंबा हुआ था और बहुत ही अच्छा हुआ था, सुनने में आया है। तो ये वीडियो टीचर लोग ने भेजा था, प्रिया लोग को लेने नहीं दिया गया था क्योंकि प्रिंसिपल ने मना कर दिया था कि कोई फ़ोन नहीं निकालेगा, इसलिए सर लोग ने मना किया था। तो ये प्रीति सबसे आगे में खड़ी है, जो लास्ट वाला लाइन था वहीं आगे में वो खड़ी है। तो अगर आप लोग को प्रीति का डांस देखना है तो कल के वीडियो में ज़रूर देखिएगा। अगर आज का वीडियो आप लोग को ये पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ये देखिए ये साइड में जो फर्स्ट लाइन है ना।